जिला मंडी के नीलकंठ महादेव मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी खिचड़ी भंडारा लगाया गया, जिसमें स्थानीय लोगों द्वारा बढ़ चढ़ कर भाग लिया गया। इस दौरान नीलकंठ महादेव मंदिर कमेटी के सदस्य दीपक गुलेरिया ने बताया कि यह भंडारा लोहड़ी पर्व के उपरांत हर साल लगाया जाता है। नीलकंठ महादेव मंदिर कमेटी के सदस्य दीपक गुलेरिया ने बताया कि नीलकंठ मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी खिचड़ी के भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि नीलकंठ महादेव मंदिर प्राचीन मंदिर है जो कि पांडवों द्वारा बनाया गया था। साथ ही उन्होंने बताया कि लोहड़ी के उपरांत ही खिचड़ी भंडारा लगाया जाता है। यह मंदिर हमारा नीलकंठ का है और शिव भगवान का है। आज हमने यहाँ पर खिचड़ी का आयोजन किया हुआ है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भक्तजन आ रहे हैं और बहुत मजे से खिचड़ी का आनंद ले रहे हैं। यह नीलकंठ मंदिर जो है एक ऐतिहासिक मंदिर है, यह पांडवों द्वारा निर्मित मंदिरों में से एक है। तो आज हमारा यहाँ पे एक क्विंटल के करीब खिचड़ी का आयोजन किया गया था, जो बहुत ही अच्छी तरह चल रहा है। यह जो खिचड़ी का हम आयोजन हर साल करते हैं, जो लोहड़ी के उपरांत दो चार दिनों के बाद हम यहाँ पे करते हैं, तो ये हर साल ही होता है। तो हम तो सभी भक्तों से निवेदन करते हैं कि हर साल बढ़ चढ़ कर भाग लें और खिचड़ी का आनंद लें।